हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशिमा। मेरे चैनल कुक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी, मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता ज़्यादातर ग्रेवी में डालते ही टूट जाता है, बिखर जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। लेकिन मैं आज इस रेसिपी को एक नई ट्रिक से बना रही हूँ। ग्रेवी में डालने के बाद भी आपका मलाई कोफ्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन एकदम मुलायम रहेगा। और इसकी जो ग्रेवी बना रही हूँ, सिर्फ यही रेसिपी नहीं, आप शाही पनीर बना रहे हैं, या फिर पनीर मखनी बना रहे हैं, या फिर ग्रेवी वाली चाप बना रहे हैं, तो किसी भी रेसिपी के लिए आप इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, और एक लाइक करने से भी आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए, अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मलाई कोफ्ता बनाने से पहले ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, और ग्रेवी बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को बॉईल करना है। तो मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें डालेंगे 4 हरी इलायची के दाने, और 4 ही डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च, 2 प्याज डालेंगे रफली चॉप करके, 4 टमाटर डालेंगे रफली चॉप करके, थोड़े से काजू डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, साबुत डालना है, और थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और 1 कप पानी डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर रख कर ढक कर इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब प्याज टमाटर अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो इन्हें ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। और अब बनाएंगे मलाई कोफ्ता। तो मैंने ले लिया है एक बोल, और बोल में डालेंगे 200 ग्राम जितना क्रश किया हुआ पनीर, ऊपर से डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक डालेंगे कद्दूकस करके, बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, और स्वाद अनुसार यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसे बाइंड करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन। बेसन भी एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 4 चम्मच बेसन जाता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाला है। इसे बाइंड करेंगे, इसे गूंद लेंगे एक बारी, और चेक करेंगे कि इसमें और बेसन तो नहीं चाहिए। तो इस तरह से दबाकर इसे बॉल बनाकर देखेंगे, अगर बॉल एकदम स्मूथ बन जाती है, कोई क्रैक्स नहीं आते हैं, तो बेसन एकदम परफेक्ट है। अगर बॉल नहीं बनती है ठीक से, तो इसमें बेसन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मुझे बॉल अच्छी नहीं लग रही थी बनी हुई, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच बेसन और डाल दिया है, और इसे दोबारा से अच्छे से गूंद लेंगे, और उसके बाद दोबारा से इसकी एक बॉल बनाकर चेक करेंगे। इसे हाथों में पहले दबाएंगे अच्छे से, बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद इसे अच्छे से शेप देंगे। गोल गोल शेप दें, सिलेंड्रिकल शेप दें, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे भी इसे शेप देना है आप दे सकते हैं। अब ये देखिए, एकदम स्मूथ बॉल बन के रेडी हो गई है। पहला टेस्ट इसका यहाँ पे पास हो चुका है, लेकिन दूसरा टेस्ट इसे ऑयल में फ्राई करके देखेंगे तो ही पास होगा। तो अब मैंने दूसरी तरफ अपने ऑयल को भी गरम कर लिया है। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं चाहिए होता है, हल्का गरम करना है, और जब हल्का गरम हो जाए ऑयल, तभी इसमें मलाई कोफ्ता डालकर बिल्कुल हल्के हाथों से फ्राई करना है। डालते ही पोनी को नहीं चलाना है, 2 मिनट छोड़ दें, थोड़ा सा फ्राई होने दें, उसके बाद इसमें पोनी धीरे धीरे चलाएं ताकि ये टूटे नहीं बिल्कुल भी। अब ये देखिए, हल्का हल्का फ्राई हो गया है, तो मैं इसमें आराम से पोनी चला पा रही हूँ। तो बस इसे इवन टोन देने के लिए, इवन कलर देने के लिए, अब पोनी को लगातार चलाएंगे, इसे लगातार हिलाते रहेंगे अच्छे से ऑयल में, एकदम इवन कलर आएगा, ऊपर से आपको क्रिस्पी लगेगा लेकिन अंदर से एकदम मुलायम होगा। ये परफेक्ट ट्रिक है ये मलाई कोफ्ता बनाने की, बहुत टेस्टी बनते हैं इससे। घर में कोई गेस्ट आ रहा है, या कहीं गैदरिंग है, आपने बनाना है कुछ, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। मलाई कोफ्ता बहुत ज़बरदस्त लगता है सबको, और इन कोफ्तों में आप चाहें तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं की है, मैंने एकदम प्लेन बनाया है मलाई कोफ्ता। अब ये देखिए, एकदम इवन कलर आया है पूरे मलाई कोफ्ता पे, इसे निकाल देंगे बाहर, ये कहीं से टूटा भी नहीं है, और बहुत ही अच्छा कोफ्ता बनकर रेडी हो गया है।
अब मेरे कोफ्ते एक ही साइज़ के बने तो मैंने ले लिया है यहाँ पर टेबल स्पून, और टेबल स्पून की हेल्प से मैं इन सारे कोफ्तों को अच्छे से बॉल्स बना लूँगी। पहले हाथों की हथेली में डालकर इसे बाइंड करें, उसके बाद इसकी बॉल बनाएं। एकदम स्मूथ बॉल होनी चाहिए, कहीं से क्रैक्स नहीं होने चाहिए। एकदम स्मूथ बॉल बन के रेडी हो गई है, तो ऐसे ही मैं सारी की सारी कोफ्ता की बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी की सारी बॉल्स बन के रेडी हो गई हैं। 200 ग्राम पनीर से टोटल मेरी 15 से 16 बॉल्स बन के रेडी हो गई हैं। तो अब यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और फ्राई करते हुए भी जो गैस है वो लो से मीडियम पर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। और पहले एकदम से पोनी इसमें नहीं चलानी है, बॉल्स को डालते ही, कोफ्तों को डालते ही इसे थोड़ा सा फ्राई होने दें 1 मिनट के लिए, और उसके बाद ही इन्हें थोड़ा थोड़ा करके हिलाएं। जब ये पूरा ऊपर से थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, फिर आप इन्हें उलट पुलट कर करके इवन कलर दे दें अच्छे से। बस इतना ही ध्यान रखना है इन कोफ्तों को बनाते हुए, क्योंकि पनीर है, पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है गर्म होने से। तो पोनी को थोड़ा ध्यान से चलाना है, एकदम ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना है। तो बस अब इन्हें उलट पुलट करके इवन कलर दे दें। ये मलाई कोफ्ता बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर इनके ऊपर आ गया है, और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। बहुत सारे लोग मलाई कोफ्ता बनाते हुए उसमें कॉर्न स्टार्च डाल देते हैं या फिर मैदा डाल देते हैं, जिससे टेस्ट पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और जो बॉल्स होती हैं कोफ्ते की वो ग्रेवी में डालते ही टूटने लगती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई कॉर्न स्टार्च या मैदे का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। इस ट्रिक से मलाई कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के आता है। ऊपर से तो आपको ये क्रिस्पी दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से एकदम मुलायम रहता है, ये एकदम सॉफ्ट रहता है। तो इसी तरह से फ्राई करते हुए सारे के सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं, एकदम सेम साइज़ के, एकदम मुलायम मुलायम और ऊपर से क्रिस्पी। अब ये देखिए, ये सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अब बना लेते हैं फटाफट से ग्रेवी। तो अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज टमाटर को अच्छे से बॉईल कर लिया है, और प्याज टमाटर अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर मिक्सिंग जार, उसमें सारे के सारे प्याज टमाटर डालकर इसे बिना पानी डाले अच्छे से स्मूथ पेस्ट होने तक ग्राइंड कर लेंगे। एक बार पेस्ट स्मूथ हो जाती है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए, अब ये एकदम स्मूथ स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गई है। एक स्ट्रेनर की हेल्प से इस पेस्ट को अच्छे से छान लेंगे। टमाटर के जो भी छिलके हैं या फिर हरी इलायची के दाने हैं और छिलके हैं, वो सब इसमें से अलग हो जाएगा। एकदम स्मूथ पेस्ट निकाल कर रेडी कर लेंगे। अब जार में भी थोड़ी सी प्यूरी लगी रह गई थी, तो मैंने उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी एक बार अच्छे से छान रही हूँ यहाँ पर। और बस अब ये प्यूरी बनकर रेडी हो गई है, एकदम स्मूथ प्यूरी अलग हो गई है। तो अब बना लेते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं उसी पैन का यूज़ कर रही हूँ। मैं पैन में थोड़ा सा बटर डालूंगी, 1 टेबल स्पून जितना। अभी तक मैंने कोई तेल नहीं डाला है, कोई बटर नहीं डाला है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना बटर ले लिया है। थोड़ा सा लहसुन और अदरक कद्दूकस किया हुआ डालेंगे यहाँ पर, और लहसुन और अदरक को थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब तक इसे अच्छे से भून लेंगे। तो बस अब ये लहसुन और अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है 1 मिनट तक भूनने के बाद। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च में तीखा कम रहता है, कलर अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मुझे तीखापन नहीं चाहिए। इस ग्रेवी को मैं एकदम लाइट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मलाई कोफ्ता हो या शाही पनीर हो या ग्रेवी वाली चाप हो, तो उसमें लाइट फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल वही लाइट फ्लेवर वाली मैं ग्रेवी बना रही हूँ, तीखापन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च को डाल दिया है, और इसे अच्छे से पहले चला लेंगे। अगर ये पैन पर चिपकती है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। अब ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर प्यूरी जो मैंने छान कर रखी थी, वो प्यूरी यहाँ पर डाल देंगे, और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर रख के अच्छे से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि इसमें सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता है, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, और इसमें से अच्छी सी भुनी हुई सी खुशबू नहीं आने लगती है।
ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है मसाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून ही बटर डाला है और कोई भी ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला है। तो मैं ऑयल छोड़ने तक का तो वेट नहीं करूँगी, बस इसे अच्छी सी खुशबू आने दूँगी, अच्छा सा कलर आने दूँगी और पानी पूरा सूख जाए। और जिस भी ग्रेवी में आप काजू डालते हैं उस ग्रेवी का ध्यान रखना होता है, उसे लगातार बीच बीच में चलाना होता है ताकि काजू की पेस्ट की वजह से आपकी ग्रेवी पैन पर ना चिपके। तो यहाँ पर इस ग्रेवी के छींटे आ रहे हैं ऊपर, इसलिए मैं इसे ढक रही हूँ, बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी। तो जब तक मेरी ग्रेवी अच्छे से भूनती है तब तक एक छोटा सा तड़का और रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 हरी मिर्चें और हरी मिर्चों को बीच में से 2 पार्ट्स करके इसके सारे बीज अच्छे से निकाल दूंगी। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें ली हैं, मैं 3 के बीज अच्छे से निकाल दूंगी और 1 हरी मिर्च को बीज के साथ ही डालूंगी, क्योंकि मैंने और किसी तरह की यहाँ पर मिर्च नहीं डाली है। ग्रेवी बिल्कुल फीकी ना लगे इसलिए 1 हरी मिर्च मैं बीज के साथ डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप हरी मिर्चों में बीज रहने दें उसके बाद डालें, लेकिन मुझे इस ग्रेवी में तीखापन ज़्यादा नहीं चाहिए, लाइट फ्लेवर्स चाहिए, मक्खनी टेस्ट चाहिए। तो बस ये मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं और ऐसे ही अब अदरक को भी पहले पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे, उसके बाद इसकी लंबी लंबी स्लाइसेस को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक और हरी मिर्च दोनों चीज़ों को काट कर तड़के के लिए रेडी कर लिया है। और अब एक बारी ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं, मसाले को चेक कर लेते हैं। मसाला भी काफ़ी हद तक भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और पानी भी इसमें से काफ़ी हद तक सूख गया है। तो अब बस इसे लगातार चलाना है, अगर ये छींटे उड़ती हैं तो इसे ढकना है और इसे लगातार खोल खोल कर चलाते रहना है। ये देखिए पहले से पानी काफ़ी हद तक सूख गया है और काजू की वजह से अब ये जो मसाला है ये पैन पर चिपकने लगा है। तो यहाँ पर मुझे अच्छे से इसे भूनना है 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगती है भुनी हुई सी, तो यहाँ पर पानी डालेंगे। इसे ग्रेवी बनाने के लिए जितना पानी आपको डालना है डालेंगे, मैं यहाँ पर 2 से 2.5 कप जितना पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए मुझे, ठीक ठीक ग्रेवी होनी चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पर डाल रही हूँ मैं शुगर, इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, खटास को, टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी सी शुगर। और ऊपर से डालेंगे कसूरी मेथी, इसे अच्छे से रोस्ट करके हाथों से क्रश करके डालना है। बस अब ये सारे फिनिशिंग टचेस हैं जो यहाँ पर मैं दे रही हूँ। ये ग्रेवी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। अब लगा लेते हैं एक छोटा सा तड़का जिसके लिए अदरक और हरी मिर्च काटी थी। तो एक पैन में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा बटर और इसमें एक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें हल्की सी खुशबू आने देंगे बस इसकी, अदरक और हरी मिर्ची की जैसे ही खुशबू आने लगती है तो वापस से ग्रेवी की तरफ जाएंगे और ये तड़का ग्रेवी में डाल देंगे। इससे जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। इस तड़के को ज़रूर डालें, अगर आप मक्खनी ग्रेवी बना रहे हैं तो इसे ज़रूर डालें। और अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी हो जाएगी ग्रेवी। यहाँ पर दूध ना डालें, दूध डालने की बजाय अमूल फ्रेश क्रीम डालें, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और जनरली जब हम किसी ग्रेवी में काजू डाल देते हैं तो हमारी जो क्रीम होती है वो डालने से फटती नहीं है, तो यहाँ पर मेरी क्रीम भी फट नहीं रही है, आराम से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, तो ये फटेगी नहीं बिल्कुल। लेकिन अगर आपने काजू नहीं डाले हैं तो क्रीम डालने से पहले गैस को बंद कर दें, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद ऊपर से अमूल फ्रेश क्रीम डालें। तो अब लास्ट में मैं डालूंगी यहाँ पर कोफ्ते, और कोफ्तों के साथ ग्रेवी को एक आध बार बॉयल कर लेंगे अच्छे से, ताकि कोफ्ते और ग्रेवी आपस में अच्छे से रल मिल से जाएं। ये कोफ्ते अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे और ऊपर से आपको क्रिस्पी दिख रहे होंगे उस टाइम, लेकिन ग्रेवी में जाने के बाद ये ऊपर से और अंदर से दोनों तरफ से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में भी सबको ये बहुत पसंद आएगी। घर में कभी कोई गेस्ट आता है, कुछ नया बनाने का मन है, शाही पनीर बनाने का मन नहीं है, दाल मखनी बनाने का मन नहीं है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
मलाई कोफ्ता सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाने वाला है और वीडियो को लाइक करने से भी आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होने लगेगा। प्लीज़ गाइस, आई रिक्वेस्ट, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें।